एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है। हमने अभी आपको जानकारी दी थी कि 4 लोगों को वहां अगवा किया गया है। 3 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का कोई पता नहीं है, लेकिन आतंकवादियों ने जो कांस्टेबल के भाई को अगवा किया था, आपको बता दें, उसे छोड़ दिया गया है। आतंकवादियों पर ही अगवा करने का शक है और 3 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जिनको अगवा किया गया उनका पता नहीं, लेकिन अगवा कांस्टेबल के भाई को छोड़ दिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी से। आसिफ, और क्या जानकारी मिल रही है आपको? में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही इस बात की पुष्टि हो गई कि जो 4 अगवा किए गए थे लोग, फिरदौस अहमद कुचे, कुलदीप सिंह और निसार अहमद और फयाज अहमद, इनमें से निसार अहमद को छोड़ दिया गया है, जो कि एक पुलिस कर्मी का भाई था और उसको अपने भाई के बदले ही मिलिटेंट अपने साथ ले गए थे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले वो अपने घर पहुंचा है और इसने इस बात की पुष्टि कर दी है कि मिलिटेंट्स ने ही उसका अपहरण किया था। लेकिन 3 लापता एसपीओ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं आ रही है। हालांकि स्पष्ट सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 3 को मिलिटेंट जंगलों की तरफ ले गए हैं, और यानी ये आशंका जताई जा रही है कि उनके साथ बर्बरता हो सकती है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। नेहा, तो आसिफ हमें यह अहम जानकारी देते हुए कि एक कांस्टेबल के भाई को जो आतंकवादियों ने अगवा किया था, उसे आतंकवादियों ने छोड़ दिया है। आसिफ, आपका शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आसिफ हमें यह भी जानकारी देते हुए कि चिंता अब भी बनी हुई है, क्योंकि 3 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स एसपीओस को जो अगवा किया था उनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, और अंदेशा ये है, ये घबराहट है कि अगवा करके जंगल की तरफ ले गए हैं तो बर्बरता बरती जा सकती है। देखिए, अब ऐसे माहौल में जहां एक बीएसएफ जवान के शरीर के साथ बर्बरता की जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, लगातार जो पुलिसकर्मी है उनको अगवा किया जा रहा है, सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूयॉर्क में जो बातचीत की बात कही जा रही है, वो बातचीत क्यों हो रही है, उसका एजेंडा क्या है, ये तमाम सवाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हमने इन मामलों में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ये जानने की कोशिश की है, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स से, कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या बातचीत होनी चाहिए, और अगर हो तो किस दिशा में। सुनिए, इमरान खान आकर बोलते हैं कि हमें भारत के साथ शांति प्रस्ताव रखना है, ये आप कहां की स्ट्रैटेजी, कहां की नीति अपनाते हैं? जरूरी यह है कि भारत ने इसका स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन देना चाहिए। जो हेमराज थे, जो भारतीय सैनिक थे 2013 में, जिनका ऐसे ही जिनकी हत्या की गई थी, उनकी पत्नी ने बिल्कुल सही बात कही है, उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है। जब तक हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, ऐसी हरकतें पाकिस्तान करता रहेगा। और हमें यह समझना है कि पाकिस्तान ये कोई शांति राष्ट्र नहीं है, इन्हें शांति नहीं चाहिए, ये सिर्फ इनके हथकंडे हैं, जिन हथकंडों को हमें समझना चाहिए और उसी के मुताबिक उनको उत्तर देना चाहिए। सुन रहे हैं आप एक्सपर्ट शिवाली देशपांडे को, साफ कह रहे हैं कि बातचीत का तो सवाल ही नहीं उठता, उल्टा पाकिस्तान जो बर्बरता बरत रहा है, पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना चाहिए। रक्षा एक्सपर्ट जेके वर्मा क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि वो बात करना चाहते हैं, टॉक्स को रिज्यूम करना चाहते हैं, ये एक अच्छी शुरुआत है। वहाँ जाकर के वार्तालाप होगी, उस वार्तालाप का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक लो इंटेंसिटी वार छिड़ी हुई है और वो कंटिन्यू रहेगी। परंतु वार्तालाप, हम लोग ये नहीं कहना चाहते कि हम बातचीत नहीं करना चाहते, हम बातचीत करना चाहते हैं, परंतु ये चाहते हैं कि पहले वो लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करें। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।